और ये कहा नहीं यूपीए गवर्नमेंट की तरह किया। बिहार में दोस्ती, दिल्ली में दुश्मनी। बिहार में गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू के सांसदों के बीच मंगलवार को लोकसभा में मतभेद खुलकर सामने आ गए। दोनों दलों के सांसद बिहार में ग्रामीण सड़क परियोजना और दूसरी विकास योजनाओं को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। बहस की शुरुआत की बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने। उन्होंने बिहार सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम पूरा नहीं कर पाई है, जबकि अन्य राज्य आगे बढ़ गए हैं। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। उन्होंने कहा, मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि काम को वक्त पर पूरा किया जाए, ताकि बिहार भी भारत सरकार के 125,000 किलोमीटर सड़क बनाने के लक्ष्य में भागीदार बन सके। नीतीश सरकार पर वार होता देख जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार और खुद जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी उठ खड़े हुए। ललन सिंह ने गिरिराज से पूछा, एनडीए केंद्र के साथ साथ बिहार में भी सरकार चला रही है, आप बिहार से हैं, मैं बिहार से हूं। आपने कभी राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर बैठक की? जिसके जवाब में गिरिराज ने कहा, एक मंत्री के रूप में मैं सबके संपर्क में रहता हूं। आप भी मेरे साथ बैठक कर सकते हैं। बता दें कि बिहार से 40 सांसद लोकसभा में आते हैं, जिनमें से इस समय 17 बीजेपी और 16 जेडीयू से हैं।